नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या गैर सरकारी अस्पताल हो। अस्पतालों के डॉक्टर, वहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ पूरी तरह से जी जान जुटाकर मरीजों की जान बचाने में जुटा हुआ है। हमारे शहर की अब ये हालत हो चुकी है कि हमारे शहर में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई ठाणा या वसई विरार की तरफ जाना पड़ रहा है। एक वक्त था कि वहाँ से पेशेंट हमारे यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब हमारे शहर के मरीजों को जान बचाने के लिए शहर से दूर जाना पड़ रहा है, चाहे वो मुंबई हो, ठाणा हो या वसई विरार हो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रास्तों पर बिला वजह भटकने वालों के खिलाफ में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। व्यापारी वर्ग किसी तरह से जो अपना छुप छुपा के हाफ शटर खोल के या दुकान खोल के पीछे के दरवाजे से कारोबार कर रहे थे, उस पर भी पुलिस अब सख्त हो गई है। उसको भी अब पुलिस ने पूरी तरह से बंद करना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए जिस तरह से शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले ने नियमों में कुछ तब्दीली की है। किस प्रकार की ये तब्दीली है, क्या ये तब्दीली है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे शहर की छोटी मोटी गलियों में, छोटे मोटे रास्तों के किनारे बैठने वाले फल विक्रेता, भाजी विक्रेता, सब्जी विक्रेता, इन लोगों को अब पूरी तरह से महानगर पालिका ने बंद कर दिया है। महानगर पालिका ने सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं के लिए अपने अधीन जो रिजर्वेशन के जो गार्डन हैं या जो सरकारी जगह है, उन जगह पर बैठने के आदेश जारी किए हैं। महानगर पालिका ने उनके लिए एक समय सीमा भी बांध दी है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये सब्जी विक्रेता सरकारी मैदानों में बैठे रहेंगे। अब ये सब्जी विक्रेता कहाँ बैठे रहेंगे और हमारे नागरिकों को सुविधा होने हेतु ये जो पूरा इंतज़ाम किया गया है, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 6 वार्ड है। 6 वार्ड के मुताबिक भाईंदर पश्चिम में 2 वार्ड आते हैं, भाईंदर पूर्व में 2 वार्ड आते हैं और मीरा रोड चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर वार्ड क्रमांक 4, 5 और 6 इस तरह से ये वार्ड आते हैं। सब्जी भाजी खरीदने के लिए सभी नागरिकों को आसानी हो, इसके चलते महानगर पालिका ने उनके आसपास के जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकारी गार्डन से जो रिजर्वेशन गार्डन है जो खाली पड़े हैं, वहाँ पर सब्जी भाजी विक्रेताओं को शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाता हूँ कि मनपा प्रशासन ने कैसे इंतज़ाम किया है। आता हूँ मैं सबसे पहले भाईंदर पश्चिम की तरफ, जहाँ पर प्रभाग कार्यालय एक पड़ता है। उस प्रभाग कार्यालय में सुभाष चंद्र बोस मैदान, काफ़ी बड़ा मैदान है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब सैकड़ों वहाँ पर सब्जी भाजी विक्रेता आराम से बैठ सकते हैं और पूरा क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है सुभाष चंद्र बोस मैदान में सब्जी भाजी विक्रेताओं को। इसी तरह से प्रभाग कार्यालय क्रमांक 2, वहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया है उसके अधीन में आने वाले एसटी बस डेपो जो स्टेशन से लगकर ही है, पार्किंग मार्केट है और रॉयल गार्डन बेसिन कैथोलिक बैंक के पास में, यहाँ पर महानगर पालिका ने भाईंदर पश्चिम में ये इंतज़ाम किया है सब्जी भाजी विक्रेताओं के लिए। इसके अलावा प्रभाग कार्यालय 3 जो आता है भाईंदर पूर्व में, जैसे नौघर पुलिस स्टेशन का जो इलाका है वो प्रभाग कार्यालय 3 में आता है। नौघर परिसर में आने वाले नौघर सरकारी स्कूल में एक इंतज़ाम किया गया है। सचिन तेंदुलकर मैदान में इंतज़ाम किया गया है और हनुमान नगर गोपाल भाई केबिन रोड पर, वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है सब्जी भाजी विक्रेताओं के लिए। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 4 जो नया नगर का कुछ हिस्सा आता है, नया नगर वासियों के लिए आला हजरत ग्राउंड में महानगर पालिका ने इंतज़ाम किया है। इसके साथ साथ सिल्वर सरिता भाजी मार्केट काशी गांव में भी महानगर पालिका ने ये इंतज़ाम किया है, जो प्रभाग क्रमांक 4 में आता है। प्रभाग कार्यालय 5 की अगर मैं बात करूँ तो पूरा वो शांतिनगर, शीतल नगर, वो पूरा परिसर आता है, जिसके मुताबिक सेक्टर क्रमांक 4 का जो मैदान है शांतिनगर का, वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सेक्टर क्रमांक 6 सोमेश्वर मैदान में इंतज़ाम किया गया है। सेक्टर 9 लोकमान्य तिलक मैदान में इंतज़ाम किया गया है, जो शांतिनगर में आता है। और सेक्टर 10 में लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मैदान है, वहाँ पर ये सरकारी जगह पर भाजी विक्रेता बैठे रहेंगे, ऐसे आदेश दिए गए हैं। आखिर में प्रभाग कार्यालय 6 जो आता है, इसमें हैदरी चौक के पीछे जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, जो नया नगर का इलाका कवर करता है, उस कम्युनिटी हॉल के मैदान में भी अब सब्जी भाजी विक्रेता बैठे रहेंगे। इसके साथ साथ में
सृष्टि परिसर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो महाड़ा कॉम्प्लेक्स है नित्यानंद नगर का, उस महाड़ा कॉम्प्लेक्स में सरकारी ज़मीन पर सब्जी भाजी विक्रेताओं को बैठना होगा। NH स्कूल नयानगर कवर कर लेगा। काशी गांव की अगर मैं बात करूँ तो जरीमरी तालाब है, वो तालाब के परिसर में जो खाली जगह है उस खाली जगह पर अब अनुमति होगी सब्जी विक्रेताओं को बैठने की, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का। जिन जगहों का मैंने जिक्र किया है जहां पर सब्जी भाजी फल विक्रेता बैठेंगे, उन जगहों पर उन सब्जी भाजी विक्रेताओं पर निगरानी के लिए, उनकी देखरेख के लिए महानगर पालिका प्रशासन ने अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जो अपने इंजीनियरों के साथ में वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का बैठे रहेंगे। और उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो वक्त निर्धारित किया गया है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का, उसके बाद में वहां पर भीड़ ना आए, सब्जी भाजी विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर दे, फिर अगले दिन ही वो दुकानें शुरू करें, इस तरह की उनकी जिम्मेदारी वहां पर सौंपी गई है। इसके अलावा महानगर पालिका ने शहर में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को देखते हुए वैक्सीनेशन देने का काम फिर दोबारा शुरू किया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का वैक्सीनेशन दी जाएगी। जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, इस तरह का प्रेस नोट भी आज महानगर पालिका ने निकाला है। और जो सरकारी और गैर सरकारी जगह है जहां पर वैक्सीनेशन दी जाएगी, जो पहले दिया करते थे जिन जगहों पर, उन्हीं जगहों को पालिका ने बताया है कि यहाँ पर अब 19 तारीख से दोबारा वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो महानगर पालिका ने नए नियम बनाए हैं कि जो सब्जी मार्केट अब नई जगहों पर शिफ्ट किया है और जो एक समय सीमा उनके लिए बांध दी है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही ये खुले रहेंगे और महानगर पालिका के अधिकारी वहां पर देखरेख करने के लिए रहेंगे, उन पर निगरानी करेंगे कि यहाँ पर भीड़ ना हो, भीड़ पर काबू किस तरह से पाया जा सके, ये भी उनकी एक जिम्मेदारी होगी। अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने जो हम पर नियम लगाए हैं उन नियमों का हम पालन करें, क्योंकि शहर में जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उस पर काबू पाने के लिए अब हमें भी खुद आगे बढ़ना होगा, हमें भी पुलिस प्रशासन मनपा प्रशासन का साथ देना होगा, तब कहीं जाकर कोरोना पर काबू पाया जा सकता। आखिर में इस खबर के माध्यम से मैं पुलिस और मनपा प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे शहर के कोरोना के जो मरीज़ हैं उन मरीज़ों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए चंद बदमाश किस्म के डॉक्टर काला बाजारी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का दुगना तिगना दाम वसूल रहे, 18-20 हज़ार रुपये तक का पैसा ले रहे एक एक इंजेक्शन का, इस तरह की शिकायतें भी अब आनी शुरू हो चुकी है। नाम ना बताने की शर्त पर कुछ मरीजों के परिजनों ने हमें बताया है कि कुछ डॉक्टरों ने उनके साथ में इस तरह से उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है, उनसे कहा जा रहा है कि मार्केट में इंजेक्शन का शॉर्टेज है जिसके चलते उन्हें ब्लैक मार्केटिंग से ही ये इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और उसी इंजेक्शन को मरीजों को दिया जा रहा है। तो हमारे शहर के चंद बदमाश डॉक्टर, चंद बदमाश अस्पताल, ये पूरा काला कारोबार कर रहे हैं, पूरा काला बाजारी कर रहे हैं, इनकी भी नकेल कसनी महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारे शहर के मरीजों के मजबूरियों का किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे बेतहाशा पैसा वसूला जा रहा है, इस पर भी मनपा प्रशासन ध्यान दे, पुलिस प्रशासन गंभीर होकर इन पर कार्रवाई करे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उनसे मांग करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।